Good morning children, welcome to class 2 computers. Children, in our previous video we were doing chapter 7, that is notepad and calculator. So children, we had studied the chapter and completed book exercise also, and we were doing some questions from the middle of the chapter. So hum middle of the chapter mein se hum kuch fill in the blanks likh karke practice kar rahe the. So children, let us revise these question these fill in the blanks and move further in the chapter. So children, our first question fill in the blanks exercise was fill in the blanks. Keyboard is used to type letters, words, numbers, etc. on a computer. Keyboard is used to type letters, words, numbers, etc. on a computer. Notepad is a program used for typing in the computer. Notepad is a program used for typing in computer. You can type letters, words, sentences, and numbers in notepad. You can type letters, words, sentences, and numbers in notepad. So children, let us revise next fill in the blanks. So children, fourth fill in the blanks is notepad program is a text editor. So children, as we have studied in the chapter about notepad, we studied that notepad is a program editor. That means children, whatever program we write, like whatever text we write in this program, we can edit it लेटर ऑन. हम उसे सेव करके रख सकते हैं और जब मन किया हम उसमें उस एडिट उसको कर सकते हैं और फिर वापस यूज कर सकते हैं. सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज नोट पैड प्रोग्राम इज अ टेक्स्ट एडिटर. इसमें जो भी टेक्स्ट हम लिखते हैं उसको उसमें कोई भी चेंजेस करके हम बाद में दोबारा उसको यूज कर सकते हैं और कुछ भी हम डिलीट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं या कोई भी चेंजेस कर सकते हैं. सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज टेक्स्ट एडिटर. टेक्स्ट एडिटर इसलिए क्योंकि जो भी हमने लिखा इसमें हम लिख करके ही कुछ भी करते हैं. तो जो भी हम इसमें प्रोग्राम करते हैं वो लिख करके या टाइप करके ही करते हैं. तो जो भी हमने टेक्स्ट टाइप किया है उसमें कभी भी चेंजेस करके हम उसको वापस यूज करते हैं. इसलिए वी कॉल इट एज टेक्स्ट एडिटर. नाउ फर्स्ट वन इज, फोर्थ वन इज नोट पैड प्रोग्राम इज अ टेक्स्ट एडिटर. So, fifth one is dash means pressing the left mouse button. So, children, we have studied while reading about the mouse that there are two buttons. There one is left button and the other one is right button. Children, अगर हम left button को click करते हैं, को press करते हैं, तो उसको हम click कहते हैं. और एक बार अगर हम उसे क्लिक करते हैं तो हम उसे सिंगल क्लिक कहते हैं. अगर लेफ्ट बटन को टू टाइम्स हम प्रेस कर सकते हैं तो उसे हम डबल क्लिक कहते हैं. अगर हम राइट बटन को क्लिक करते हैं तो हम उसे राइट क्लिक कहते हैं. और लेकिन लेफ्ट बटन के क्लिक के केस में हमारे पास सिंगल और डबल बटन करके क्लिक्स है. एक बार क्लिक करने को हम सिंगल क्लिक कहते हैं, दो बार क्लिक करने को हम डबल क्लिक करते हैं कहते हैं. सो चिल्ड्रन, इन दिस वे द डैश मीन्स प्रेसिंग द लेफ्ट माउस बटन. सो लेफ्ट माउस बटन को प्रेस करने को हम क्लिक कहते हैं. सो सी एल आई सी के क्लिक. यू कैन डू स्क्रॉल डाउन विथ द व्हील ऑफ द माउस. चिल्ड्रन, यू कैन डू स्क्रॉल डाउन विथ द व्हील ऑफ माउस. जो भी आप व्हेन वी वर स्टडिंग अबाउट माउस चिल्ड्रन, वी हैड स्टडीड दैट देयर आर टू बटन्स. अभी तक हमने टू बटन्स के बारे में पढ़ा है कि माउस में दो बटन्स होते हैं एंड इन बिटवीन दीज टू बटन्स वी हैव अ स्मॉल व्हील लाइक स्ट्रक्चर. एक व्हील की तरह स्ट्रक्चर उसमें होता है जो बीच में होता है, दोनों लेफ्ट बटन और राइट बटन के बीच में. इसको हम स्क्रॉल बटन कहते हैं. तो चिल्ड्रन, यू कैन डू स्क्रॉल डाउन विद द व्हील ऑफ द माउस. हमारे स्क्रीन को अगर हमको स्क्रॉल करना है या स्क्रीन पे हमने कुछ भी लिखा हुआ है उसको ऊपर नीचे स्क्रॉल करना है तो हम यहाँ पे व्हील को यूज करके स्क्रॉल करते हैं. इसलिए वी कैन से यू कैन डू स्क्रॉल डाउन विद द व्हील ऑफ माउस. माउस में जो व्हील होता है हम उसे स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं. देन वी हैव टाइटल बार. अब टाइटल बार इज द टॉप मोस्ट बार. वेन वी वर स्टडिंग अबाउट द
विंडो चिल्ड्रन, हम जब नोट पैड की विंडो के बारे में पढ़ रहे थे तो देयर वी स्टडी दैट द टॉप मोस्ट बार, सबसे ऊपर जब हम विंडो नोट पैड विंडो को खोलते तो वहाँ रेड कलर का एक बार दिखाई देता है, उस बार को हम टाइटल बार कहते हैं। और उसके ऊपर जब हम कोई नया फाइल खोलते हैं तो यू मस्ट हैव सीन चिल्ड्रन, कभी भी नया पेज हम नोट पैड में खोलते हैं तो वहाँ पे अनटाइटल्ड नोट पैड दिखाई देता है, क्योंकि नया खोलते हैं तो उसका कोई नाम हमने नहीं दिया होता है तो वहाँ पे अनटाइटल्ड दिखाता है। और जब हम उस पे कुछ करके सेव कर लेते हैं तो वहाँ पे जो भी नाम हम उस प्रोग्राम को देते हैं उस प्रोग्राम का नाम शो करता है, तो वो जो बार है जहाँ पे नाम शो करता है प्रोग्राम का उसे हम कहते हैं टाइटल बार, वी कॉल इट एज टाइटल बार। वो रेड कलर से सबसे टॉप मोस्ट विंडो के नोटपैड विंडो के सबसे टॉप मोस्ट एरिया में शो करता है, इसलिए हम उसको टाइटल बार कहते हैं। हम उसको टाइटल बार इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें प्रोग्राम का टाइटल लिखा होता है या नाम लिखा होता है। सो टाइटल बार इज द टॉप मोस्ट, टॉप का मोस्ट का मतलब होता है विंडो में सबसे ऊपर, नोटपैड विंडो में सबसे ऊपर बार दैट डिस्प्लेज द टाइटल ऑफ द प्रोग्राम, और ये वो बार होता है जो कि प्रोग्राम के टाइटल को डिस्प्ले करता है। सो दीज वर द ब्लैंक्स चिल्ड्रन विच वी हैड डन इन आर प्रीवियस वीडियो एंड वी हैव रिवाइज्ड दीज, लेट अस स्टार्ट आर सम मोर ब्लैंक्स फ्रॉम द चैप्टर्स, विल डू सम मोर फिल इन द ब्लैंक्स फ्रॉम द चैप्टर। सो एक बार फिर हम इसे पढ़ लेते हैं उसके बाद आगे लिखते हैं। फोर्थ वन इज नोट पैड प्रोग्राम इज अ टेक्स्ट एडिटर, क्लिक मीन्स प्रेसिंग द लेफ्ट माउस बटन। सिक्स्थ वन चिल्ड्रन यू कैन डू स्क्रॉल बटन विथ द व्हील ऑफ माउस, यू कैन डू स्क्रॉल डाउन विथ द व्हील ऑफ माउस। टाइटल बार इज द टॉप मोस्ट बार दैट displays the title of the program. Title bar is the topmost bar that displays the title of the program. So let us do eighth one children, and this eighth one is also from the chapter. Now below this title bar children we have menu bar, and menu bar is the bar which shows different menu which we have in notepad program, and then after that we see a small vertical line, a vertical line jo hamesha blink karta rehta hai, and this vertical blinking line is called cursor. So dash is our next blank, that is eighth one is dash is a vertical blinking, blinking blinking line, line blinking line on the screen. So dash is a vertical blinking line on the screen. This vertical blinking line is children called cursor. आपने देखा होगा जब भी आप स्क्रीन खोलते हो वहां पे आपको एक वर्टिकल ब्लिंकिंग लाइन दिखाई देता है। इस वर्टिकल ब्लिंकिंग लाइन को, छोटी सी ब्लिंकिंग लाइन दिखाई देती है, इसे हम कर्सर कहते हैं। एंड दिस शोज द पोजिशन from where you, whatever you type from the keyboard gets written from there, वहीं उसी point से ये लिखना शुरू होता है। तो इस point से ही हम जो भी type करते हैं keyboard से वो लिखना शुरू होता है। This shows that कि whatever you type from the keyboard will start writing from there. So कि cursor is a vertical blinking line on the screen. उसके बाद nine है children. Nine में हमारे पास है dash is a area where you can write YOU, you can type the text. So children, there is a plain area which you can see
ऑन द नोटपैड स्क्रीन. आपको नोटपैड स्क्रीन में मेनू बार के ठीक नीचे जितनी भी प्लेन एरिया है उसे हम टेक्स्ट एरिया कहते हैं. क्यों? क्योंकि हम वहाँ पे टेक्स्ट को लिखते हैं. जो भी हम टाइप करते हैं गेट रिटन फ्रॉम इन ऑन दैट एरिया ओनली, इसलिए हम उसको टेक्स्ट एरिया कहते हैं. सो टेक्स्ट एरिया इज अ एरिया, टेक्स्ट एरिया इज अ एरिया वेर यू कैन टाइप द टेक्स्ट. जो टेक्स्ट एरिया है उसको हम टेक्स्ट एरिया इसलिए कहते हैं क्योंकि वॉट एवर वी टाइप ऑन द नोट पैड या इन द नोट पैड गेट रिटन ऑन दैट एरिया. वो पूरा एरिया जो टेक्स्ट एरिया होता है वहीं पे हम जो भी टाइप करते हैं वहीं पे हम लिखाता है, तो इसे हम उसे टेक्स्ट एरिया कहते हैं. देन चिल्ड्रन वी हैव टेंथ. टेंथ में हमारे पास है शॉर्टकट, SHORT शॉर्टकट की. शॉर्टकट की टेंथ वन शॉर्टकट की शॉर्ट कट की टू सेव डॉक्यूमेंट is control, is control CTRL plus S, control plus L S. So children, if you want to save the document, जो भी हमने टेक्स्ट टाइप किया है और डॉक्यूमेंट बनाया है उसे अगर हम शॉर्टकट की से सेव करना चाहेंगे तो डायरेक्टली वी कैन प्रेस कंट्रोल प्लस एस फ्रॉम द कीबोर्ड एंड वी कैन सेव द डॉक्यूमेंट. हम कीबोर्ड से भी कंट्रोल एस करके डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं. तो शॉर्टकट की टू सेव द डॉक्यूमेंट इज कंट्रोल प्लस एस. अगर हम शॉर्टकट की को यूज करके डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं तो हम डायरेक्टली कंट्रोल प्लस एस करके हम कीबोर्ड से ही डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं. सो इन दिस वे चिल्ड्रन we have made these questions from the chapter. Now let us do 11th one. 11th one children, dash is in your computer is used for doing calculation. Dash in your computer is used for doing calculation. As we know children, we have studied about calculator also, calculator program else also. So calculator which is in our computer. Calculator is a program which is used for doing calculations which is used for doing calculations. So here children, calculator is a program which is used for doing calculations. Calculator is a program which is used for doing calculations. So children, these are the fill in the blanks which we have made from the chapter, and now we will start our next chapter, that is chapter 8. Open page number 58. Chapter 8, storage devices. Our next topic is chapter 8, storage devices. So children, now we are going to read about storage devices. Children, what do you mean by storage? Storage means keeping something for a longer duration or keeping something safely for later use or which can be used in the future. So children, today we are going to read about storage devices. So the device which is used to store these information or the datas
or the work which is done on the computer is called storage devices. Before coming to the chapter, let us see children what all we are going to read in this chapter. In this chapter, we are going to read about different types of storage devices, that is hard disk, CD-ROM, DVD, pen drive. So children, here we are going to read about hard disk, CD-ROM, DVD and pen drive. Now, once again, we will meet Lappy children. Here is the Lappy. Lappy will be telling all about the storage devices in this chapter. So children, by now, we have studied about input and output devices. As we know children, input is the instruction or the command which is given to the computer to perform any work. तो बच्चों, हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था कि इनपुट जो होता है वो कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं या कमांड होते हैं जो हम कंप्यूटर को देते हैं और जिसको यूज़ करके कंप्यूटर किसी भी काम को परफॉर्म करता है. और टू गिव दीज इंस्ट्रक्शंस वी नीड सम डिवाइसेस. दीज डिवाइसेस आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस. अब जो डिवाइसेस हैं जिनको यूज़ करके हम कमांड और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को इनपुट करते हैं, प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर को, उनको हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं. इसी तरह से बच्चों, जब इंस्ट्रक्शंस देने के बाद जो भी काम हम करते हैं उसकी प्रोसेसिंग होती है. जो भी इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं उसके अकॉर्डिंग द कंप्यूटर डज द प्रोसेसिंग. अब प्रोसेसिंग होने के बाद जब काम कंप्लीट हो जाता है, सो वी गेट द रिजल्ट एंड द रिजल्ट इज कॉल्ड आउटपुट. नाउ टू डिस्प्ले द आउटपुट वी नीड सम पार्ट ऑफ द कंप्यूटर एंड दीज पार्ट ऑफ कंप्यूटर्स आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस. जिसके थ्रू हम आउटपुट देख सकते हैं उसे हम आउटपुट डिवाइस कहते हैं. तो यहाँ पे भी चिल्ड्रन, स्टोरेज का मतलब होता है किसी भी काम को, जो भी हम काम करते हैं कंप्यूटर पर उसको फ्यूचर में यूज़ कर सके या फिर उसे हम स्टोर करके ज़्यादा समय तक रख सके ताकि फ्यूचर में हम उसे किसी भी तरह का यूज़ में ला सके, उसे हम स्टोरेज कहते हैं. अब जिस डिवाइस का हम यूज़ करते हैं इसे स्टोर करने के लिए, उसे हम स्टोरेज डिवाइस कहते हैं. सो जस्ट नाउ आई टोल्ड यू दैट हार्ड डिस्क और आपका सीडी रोम या फिर आपका पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, ये सारी आपके एग्जांपल्स है स्टोरेज डिवाइस का. तो हियर आवर फर्स्ट टॉपिक इज चिल्ड्रन स्टोरेज. सो द वर्ड स्टोरेज इज समथिंग न्यू फॉर अस. सो लेट अस लर्न द स्पेलिंग ऑफ स्टोरेज. STORAGE स्टोरेज. स्टोरेज का मतलब होता है कीपिंग समथिंग सेफली फॉर लेटर यूज और विच कैन बी यूज इन द फ्यूचर. अगर हमें फ्यूचर में फिर वापस उसी काम की ज़रूरत पड़ती है तो हम उसे वापस यूज़ कर सके, तो उसे हम स्टोरेज कहते हैं. तो यहाँ पे भी वी विल लर्न हाउ व्हाट इज स्टोरेज एंड हाउ वी कैन स्टोर द थिंग्स यूजिंग सम डिवाइसेस अबाउट विच वी विल बी रीडिंग इन दिस चैप्टर. नाउ लेट अस रीड द चैप्टर एंड अंडरस्टैंड. सो चिल्ड्रन, हियर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट. बेनिफिट का मतलब क्या होता है? फ़ायदा. इम्पॉर्टेंट का मतलब होता है ज़रूरी. IMPORTANT इम्पॉर्टेंट. BENEFITS बेनिफिट्स. इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग अ कंप्यूटर इज दैट इट कैन स्टोर योर वर्क फॉर फ्यूचर यूज़. सो सबसे अच्छा कंप्यूटर में फ़ायदा ये होता है, सबसे अच्छा इम्पॉर्टेंट यूज़ कंप्यूटर का ये होता है कि जो भी हम कंप्यूटर में करते हैं हम उसको फ्यूचर यूज़ के लिए स्टोर करके रख सकते हैं. तो यहाँ पे भी हम जो भी काम करते हैं इसके ऊपर हम उसे स्टोर कर लेते हैं. स्टोर करना यानी इकट्ठा करके रखना. अब इस काम को हम किस तरह से स्टोर करेंगे, किस में स्टोर करेंगे, अबाउट इट विल बी रीडिंग इन दिस चैप्टर. वंस यू स्टोर योर वर्क it will never be lost. So children, this is another benefit of the computer. कि अगर हम पेज कॉपी में रखते हैं या फिर हम किसी और फाइल में या डायरी में रखते हैं तो इट मे गेट लॉस्ट. वो खो सकता है या उसे कभी कभी चूहे भी काट सकते हैं या फिर कभी टर्माइट्स भी काट सकते हैं या फिर कभी भीग के ख़राब हो सकता है. बट हियर इन केस ऑफ
कंप्यूटर चिल्ड्रन, ये सारी प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर एक बार हमने कोई चीज़ कंप्यूटर में स्टोर कर दिया तो जब तक हम उसे डिलीट ना करें या रिमूव ना करें, इट विल रिमेन इन द कंप्यूटर, और उसे खोने का भी डर नहीं है और किसी कोई और भी प्रॉब्लम उसके साथ होने का डर नहीं है। इसलिए हम जो भी रखते हैं उसको रिव्यू कर सकते हैं और एनी टाइम लेटर वी कैन यूज़ इट, कभी भी बाद में हम उसका यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स ऑफ द कंप्यूटर। ये सबसे अच्छा फ़ायदा कंप्यूटर का होता है कि हम किसी भी चीज़ को सेव करके कंप्यूटर में रख सकते हैं। अब कंप्यूटर सेव्स एंड स्टोर्स योर फाइल, और कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में भी हम इसको स्टोर करके और सेव करके आराम से रख सकते हैं। सो चिल्ड्रन यू कैन सी दिस इज़ द पिक्चर ऑफ अ CPU, ये CPU का पिक्चर है। अब इसमें जो ये आपको ड्रॉर की तरह, जिस तरह अलमीरा में आप रखते हैं, इसमें भी एक CD रोम होता है जिसे, या हार्ड डिस्क होता है जिसको, जिसमें हम आपकी जो भी चीज़ें हैं उसको स्टोर करके या सेव करके रख सकते हैं। तो जैसे अलमीरा में कोई चीज़ पड़ी होती है, इसी तरह सेफली आपके CPU में भी ये सारी चीज़ें सेव करके, काफ़ी जब तक आप चाहे इसको सेव करके रख सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू कैन कीप योर थिंग्स सेफली इन द कंप्यूटर। नाउ सो दीज आर द वेज हाउ वी कैन स्टोर समथिंग, एंड दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली मींस कि स्टोरेज होता क्या है। जैसे अलमीरा में हम अपने कपड़े को या फिर अपने वैल्यूएबल्स को या फिर अपने इंपॉर्टेंट चीज़ों को स्टोर करके रख सकते हैं, काफ़ी उसके साथ सारे इंतज़ाम करते हैं कि वो ख़राब ना हो। सिमिलरली चिल्ड्रन, वॉट एवर वर्क वी परफॉर्म इन द ऑन द कंप्यूटर, दीज थिंग्स कैन ऑल्सो बी स्टोर्ड सेफली इन द कंप्यूटर। आप यहाँ पे आपने पिक्चर में भी देखा, दिस इज़ द पिक्चर, ये आपका कंप्यूटर का CPU है, और CPU में दिस इज़ हार्ड डिस्क, इसको हम हार्ड डिस्क कहते हैं। इसके अंदर जैसे कि हम CD को किसी रैक वगैरह में रखते हैं, उसी तरह जितनी भी इंफॉर्मेशन, जो भी काम हमने कंप्यूटर में किया है, वो भी इसमें इसी तरह से सेफली एक सेफ में जैसे हम रखते हैं, वैसे ही यहाँ पे भी प्रोटेक्टेड रहता है और कभी भी लॉस नहीं होता जब तक कि हम खुद उसे डिलीट ना करें। सो दिस इज़ हाउ इट इज़ केप्ट सेफली इन द कंप्यूटर। नाउ चिल्ड्रन, इफ़ यू आर सेविंग समथिंग इन टू द कंप्यूटर, यू आर स्टोरिंग समथिंग इन टू द कंप्यूटर, यू नीड डिवाइसेज ऑल्सो, सेम एज इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज। We studied about input and output devices. Similarly, here we will study about storage devices. अब device का मतलब होता है कोई भी object which is used for performing any function is called device. अब the device which is used to store the data is called storage devices. अब हम data को store करने के लिए जिस भी device का use करते हैं उसे हम storage devices कहते हैं। Now a computer can store your work in different storage devices. So a computer has the ability to store your different documents or your work in different storage devices. Iske paas different storage devices hote hain jisme aap isko store karke rakh sakte ho. For example, some of the storage devices are hard disk. Fir uske hard disk to hamare CPU mein hi hota hai. Fir compact disk hota hai jise hum CD कहते हैं, उसके बाद पेन ड्राइव होता है। पेन ड्राइव और CD को हम एक्सटर्नली यूज़ करके, ये डिवाइसेस जो हैं जो हम बाहर से लगा करके जो भी कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन है उसको उस पर ट्रांसफ़र करके स्टोर करके रख सकते हैं। लेट अस हैव अ लुक एट दी स्टोरेज डिवाइसेस वन बाय वन। सो चिल्ड्रन चलिए हम इन स्टोरेज डिवाइसेस के बाद एक के बारे में एक एक बार एक एक करके पढ़ते हैं और समझते हैं। नाउ हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क इज़ द मेन स्टोरेज डिवाइस। जो हार्ड डिस्क होता है इट इज़ वन ऑफ द मेन स्टोरेज डिवाइस, और दैट इज़ फिक्स्ड इनसाइड द स्टोर इन द CPU। अभी मैंने आपको पीछे पिक्चर दिखाया था, इट इज़ लाइक अ सेफ, जैसे कि अलमीरा में सेफ होता है जिसमें हम चीज़ों को रख करके स्टोर करते हैं, उसी तरह यहाँ आपके जो आपका जो हार्ड डिस्क होता है वो CPU के अंदर होता है, और वहाँ पे हम जो भी चीज़ सेव करते हैं इट गेट स्टोर्ड इन दैट हार्ड डिस्क इन द CPU, और वहाँ पे वो बहुत ही सेफली पड़ा रहता है जब तक कि हम उसे डिलीट ना करें, इरेज ना करें। हार्ड डिस्क इज़ यूज्ड टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा एंड इंफॉर्मेशन।
आप बहुत सारे डाटा और इंफॉर्मेशन को उसमें आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज हार्ड ड्राइव। हम हार्ड डिस्क को हार्ड ड्राइव भी कहते हैं। यू कैन सी द पिक्चर हियर चिल्ड्रन। ये जो पिक्चर है ये एक हार्ड डिस्क और ड्राइव का, हार्ड डिस्क और ड्राइव एक ही होता है, हम इसको हार्ड डिस्क के नाम से भी जानते हैं, हार्ड ड्राइव के नाम से भी बोल सकते हैं। सो इट इज़ द पार्ट ऑफ सीपीयू वेयर वी कैन स्टोर द वर्क विच वी डू ऑन द कंप्यूटर। कोई भी काम जो हम कंप्यूटर में करते हैं उसको हार्ड डिस्क में या हार्ड ड्राइव में आराम से हम बहुत टाइम तक सेफली स्टोर करके रख सकते हैं। नाउ द वर्क यू एंटर इन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड द डाटा। जो भी मैंने पहले भी आपको बताया, जो भी वर्क हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं या करते हैं उसको हम डाटा कहते हैं या इंफॉर्मेशन कहते हैं। एंड द रिजल्ट यू गेट आफ्टर द प्रोसेसिंग इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। तो डाटा को हम इनपुट कर सकते हैं जो कि हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं, हम देते हैं। सो हियर डाटा कैन बी योर इनपुट और इंस्ट्रक्शन, और जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के बाद हमको मिलता है इसे हम कहते हैं रिजल्ट। दिस इज इनपुट, ये डाटा को हम इनपुट कह सकते हैं, और जो इंफॉर्मेशन हमको इनपुट के बाद मिलती है उसको हम आउटपुट कह सकते हैं। इसको हम आउट PUT आउटपुट कह सकते हैं। सो चिल्ड्रन दीज आर द टू थिंग्स ऑन विच कंप्यूटर, ऑन द बेसिस ऑफ विच कंप्यूटर वर्क्स। अगर हम उसको इनपुट नहीं प्रोवाइड करेंगे तो कंप्यूटर वोंट बी एबल टू परफॉर्म एनी वर्क, क्योंकि कुछ भी काम करने के लिए उसे डाटा की ज़रूरत पड़ती है, रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है और इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। बिना इन इंस्ट्रक्शंस और रॉ मटेरियल्स के, डाटा के, इट वोंट बी एबल टू परफॉर्म एनी वर्क एंड वी विल नॉट बी एबल टू गेट एनी इंफॉर्मेशन। देन इसके बाद चिल्ड्रन देर आर सम मोर डिवाइसेस विच वी यूज़ एक्सटर्नली, जैसे कि हम बाहर से कंप्यूटर में लगा करके फिर उसमें कंप्यूटर में जो भी हमने काम किया है उस इंस्ट्रक्शंस को कॉपी करते हैं या लेते हैं। सो हियर CD-ROM, अ CD-ROM इज़ अ सर्कुलर शेप्ड डिस्क। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपने बहुत बार CD-ROM देखा होगा, CD-ROM से आप पिक्चर्स भी देखते हो CD ला करके, और आप शादियों में कैसेट्स भी CD-ROM में ही बनता है, और उसके बाद फिर हम इसको लगा करके कोई इंफॉर्मेशन भी कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करते हैं, एक कंप्यूटर से लेकर के दूसरे कंप्यूटर में लेके जाते हैं, हम घर से स्कूल लेकर के जाते हैं, स्कूल के इंफॉर्मेशन को घर लेकर के आते हैं, कोई हमें काम करना है इजीली हम किसी भी इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह ले जा करके कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि स्कूल का काम हम स्कूल में करें, अगर हमारे पास ज़्यादा काम है तो हम CD में ला करके उस काम को घर में भी कर सकते हैं, और इसी तरह घर में जो काम हम करें अगर घर में नहीं होता तो फिर वापस स्कूल में ले जाके कर सकते हैं, तो उसके लिए हम CD-ROM का यूज़ कर सकते हैं। सो अ CD-ROM इज़ अ सर्कुलर शेप्ड, मतलब सर्कुलर शेप का मतलब होता है गोल शेप का, राउंड शेप का। यू कैन सी द शेप ऑफ दिस CD-ROM, इट इज़ राउंड इन शेप और ये मोस्टली सिल्वर कलर का होता है, उसके एक साइड इसका सिल्वर कलर का होता है और एक साइड वो डिपेंड करता है। तो दैट इज़ यूज टू स्टोर डाटा। द फुल फॉर्म ऑफ CD-ROM इज़ C फॉर कॉम्पैक्ट, आप देख सकते हो CD-ROM है, C फॉर कॉम्पैक्ट होता है, D फॉर डिस्क होता है, और ROM, ROM का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। सो चिल्ड्रन दीज आर दिस इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस। इसमें भी हम इजिली सेफली अपने इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकते हैं विच वी गेट फ्रॉम द कंप्यूटर। देन अनदर बेनिफिट ऑफ CD-ROM इज़ अ CD-ROM इज़ ऑल्सो कॉल्ड पोर्टेबल डिस्क। पोर्टेबल का मतलब होता है विच कैन बी टेकन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, विच कैन बी ट्रांसपोर्टेड मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस, ईजिली कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। पोर्टेबल डिस्क विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर, क्योंकि हम इसके से एक कंप्यूटर से डाटा लेकर के दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इसलिए हम इसको पोर्टेबल डिस्क भी कहते हैं। ये इजीली कैरी कर सकते हैं, और मैं जैसा कि मैंने बताया, कोई भी काम अगर स्कूल में हम कर रहे हैं और हम उसे घर में ले जा कर करना चाहते हैं तो इजीली हम उसे CD में ले जा कर के घर में भी कर सकते हैं, और घर में किया हुआ काम हम स्कूल में ले आ कर के भी कर सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं। सो इन दिस वे वी कैन डू एनी वर्क एट एनी वेयर, वी कैन कैरी इट एनी वेयर। सो
It is one of the best storage devices. So children, today only this much for today. Go through the chapter, learn difficult words. We will meet once again with the remaining part of the chapter. So children, read the chapter, learn the spellings, and try to recall whatever we have done in today's video. So children, thank you. We will meet once again in our next video.